नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। चैनपुर थाना में हुआ ब्लास्ट, चौकीदार समेत दो हुए जख्मी। थाने में सफाई के दौरान बोतल फटने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मेदिनीनगर जिले के चैनपुर थाना में रविवार को हुए ब्लास्ट में एक चौकीदार समेत दो लोग हुए जख्मी। बताया जा रहा है कि बोतल की फटने की वजह से यह घटना घटी है। एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच के लिए अधिकारियों को घटना स्थल पर रवाना कर दिया गया है। वहीं चैनपुर थाना के प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना परिसर में सफाई करने के दौरान कचरा जमा हुआ था, उसे जलाते वक्त एक बोतल में धमाका होने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एमआरएमसीएच में घायलों से मुलाकात की। उधर चिकित्सकों ने घायलों की स्थिति अभी स्थिर बताई है। उन्होंने बताया कि नंदू मांझी की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। धमाका होते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल चौकीदार नंदू मांझी को रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। अन्य घायलों में सुबोध कुमार, चौकीदार फेकन मांझी, संतोष मांझी और संजय मांझी शामिल हैं। थाने में सफाई चल रहा था, सफाई की जो गंदगी है वो कोने थाने के कोने में जमा करके उसमें जो चौकीदार लोग थे वो आग लगाए। आग लगने थोड़ी देर बाद एक बर्फ हुआ और इस बर्फ में लोग घायल हो गए। जो मेरे एडिशनल एस पी वहाँ गए हुए हैं, हम नहीं जा नहीं पाए हैं। शीशा टुकड़ा बिखरा पड़ा है, कुछ पत्थर का टुकड़ा जो फटने से हुआ, संभवतः कोई पुराना बोतल या कोई और फटा है। एक चौकीदार को ज़्यादा चोट लगी है, बाकी दो तीन जो है मामला वो गर्म होकर कोई भी चीज़ फटेगा तो आवाज़ जाएगी। ब्लास्ट या बर्फ कुछ भी होता है तो सब आवाज़ होती है। एसपी ने घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।